वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, अच्छी हम उसकी रीडिंग करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड, जो आप पर्सन आपके माइंड में है वो उस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, राइट नाउ। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, ये पर्सन काफी एक्साइटेड था, पास में आपको गोस्ट कर रहा था और एक मतलब कि ये पर्सन आपको डिस्टर्ब करके अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें कर रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर स्ट्रेस में थे और कोई फिक्र नहीं थी। ये अपनी लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करना, ये अपनी जिंदगी को हर वे में एंजॉय करना। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत टाइम से डिस्टर्ब थे। आप यहाँ पर बिल्कुल, ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट को लेकर बहुत सीरियस नहीं था। इसका इसका माइंड था अपने आप को सिंगल रखना, इंडिपेंडेंट रखना और अपनी लाइफ में ग्रोथ। ठीक है, इसके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रही है। जो पर्सन आपके माइंड में है उस वो पर्सन काफी एक प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजों को अप्रोच करता है। उसके लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में। ये पर्सन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को अप्रोच करता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके थॉट्स आपके लिए राइट नाउ, आपके पार्टनर कंफ्यूज है। आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं इस वक्त। ठीक है, और किसी चीज को चूज करना है आपके पर्सन को, किसी रास्ते को चूज करना है, कुछ चूज करना है आपके पर्सन ने। वो चीज आपके पर्सन के माइंड में, मतलब मेंटली ये पर्सन जैसे कि सोच समझ कर करना चाह रहा है। ठीक है, इस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन इमोशंस को चूज करना चाह रहा है, पास्ट में कितना ही प्रैक्टिकल, पास्ट में कितना ही कुछ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन ऐसे कि दो रास्तों में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, दो दो रास्तों में है। या तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ इमोशंस चूज कर सकता है, आपकी तरफ आना चूज कर सकता है। ठीक है, या तो ये इस कम्प्लीटली इस रिश्ते को लेट गो कर सकता है। स्टॉकिंग एनर्जी है, आपकी इंफॉर्मेशन ये पर्सन स्टॉकिंग से लेता है। स्टॉकिंग यहाँ पर आप लोगों के बीच चलती है, या तो ये पर्सन एक स्टॉकिंग, मतलब कि स्टॉकिंग को लेकर आप लोगों के बीच इंफॉर्मेशन आपके पर्सन को खास तौर पर ज्यादातर आपकी स्टॉकिंग के स्टॉकिंग करने से मिलती है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में किसी चॉइस पे बहुत ज्यादा अटके हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन अपनी लव लाइफ को लेकर बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को, अपने सेल्फ को बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, अपना यिंग और यांग साइड बैलेंस करना चाहता है, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की एनर्जी, काफी स्ट्रेंथ लगेगी अपने आप को एक बैलेंस और परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट पर्सन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक लव लाइफ को लेकर शायद ये रिश्ता इसलिए खत्म हुआ था, आप लोग के बीच चॉइसेस थी या आप लोग के बीच एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, किस तरीके की डिफरेंस थी, या तो एक की लाइफ में बहुत चॉइसेस रही हैं। ठीक है, इस आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस रही हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि भाई मतलब कि ये पर्सन कर लेगा, स्ट्रेस में ये पर्सन हील होना चाह रहा है, ये पर्सन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहा है अपनी लाइफ में, कितने ही लोगों के साथ क्यों ना हो, उसको इसको इसको हीलिंग की नीड है। आपके पार्टनर यहाँ पर हील होना चाहते हैं। ठीक है, हील होना चाहते हैं और अपनी लाइफ में, और मतलब कि एक होता है ना लोगों के साथ कनेक्ट होना, एक सोल ग्रुप मेंबर, ये पर्सन ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होता है जो होना चाहता है, जो उसके साथ सोल के साथ कनेक्टेड है। आपके पार्टनर इस वक्त राइट नाउ कंफ्यूज है, लेट्स सी देखते हैं किस चीज के लिए कंफ्यूज है। आपके पर्सन कंफ्यूज नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन को कहाँ मूव करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए आपके पर्सन, लेकिन आप कोई इमोशनल वे चूज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली कम्प्लीटली हील होना चाहते हैं, इमोशनली कुछ ना कुछ चूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, ओके,
न्यू स्टार्ट, स्टेबिलिटी, हार्डवर्किंग। ये पर्सन किसी एक जगह काम करना चाहता है, अगर इसने मल्टीपल ऑप्शन चूज करे थे, इसके लाइफ में चॉइसेस थी, या प्ले बॉय प्ले गर्ल थी, मतलब कि एक होता है ना कि एक ऐसी जगह वर्क करना जहाँ स्टेबिलिटी जहाँ से मिल सके, ठीक है, फोकस होना अपने अपने सेल्फ पे, फोकस होना जो चाहिए उसके लिए फोकस होना, इस तरीके का माइंडसेट है आपके पार्टनर का। इस किंग ऑफ पेंटिकल का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इसी तरीके का बन रहा है कि फोकस होना चाहता है ये पर्सन, इसको क्या चाहिए। अब जैसे कि डिसीजन मेकिंग का टाइम है, अब स्टेबिलिटी के लिए वहां वर्क करेगा जहां काम, जहां रिश्ता बनाना होगा, ठीक है, लव लाइफ में। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, ये टॉक्सिसिटी, इमेच्योरिटी, इन एंड आउट एनर्जी से बाहर आना चाहता है। इस पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है, हार्ट चक्र ब्लॉक है इस पर्सन का, इन एंड आउट करने की वजह से इस पर्सन ने तो देखो ना कि इन एंड आउट इतना करा कि दिल की सुनना ही बंद करती, इतना ही लव लाइफ को, लव सिचुएशन को डिले करता रहा कि एक हर्ट पेन कुछ फील होना ही बंद हो गया इस इन एंड आउट होने की वजह से, हुआ कहीं कंसिस्टेंट नहीं रहा। अगर ये आपके साथ एक बैलेंस रिश्ता नहीं निभा पाया तो ये किसी के साथ भी कभी इसने नहीं निभाया, ठीक है। इसकी लाइफ में चॉइसेस रही है, एक्सप्लोर करता रहा है, ठीक है, और सबसे अच्छे की तलाश में रहा है, ठीक है। इसकी वजह से इसका हार्ट चक्र ब्लॉक और हर्ट नजर आ रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी रहना, किसी भी रिश्ते को वैल्यू ना देना, इसकी वजह से ये पर्सन बहुत कुछ अपनी लाइफ में जैसे कि खो चुका है, अपॉर्चुनिटीज लूज कर चुका है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ वैंड्स, ये पर्सन जैसे कि डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, मेंटली कंफ्लिक्टेड, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेस में रहता है 24/7, अपनी लाइफ में कुछ आने का, कुछ शिप्स का अराइव होने का वेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है, खासतौर पर अपने इमोशंस को लेकर, अपनी अपनी लव लाइफ को लेकर स्टेबल होना चाह रहा है, एक मैरिज की एज या मैरिज करना चाह रहा है। किंग ऑफ, ये पर्सन स्टक है, ठीक है, एक तो ये अपनी लाइफ में इतना कुछ कर चुका है, स्टक है, होल्ड बैक करता है और गार्ड सब पे वुंडेड है, डिस्टर्ब है, इसको 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 पता है इसने क्या किया है, मतलब कि हर जगह पे अपनी लाइफ में एक इमोशनल लाइफ इसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब इसको इमोशंस की जरूरत है, कोई इसको प्योर इमोशंस देने के लिए रेडी नहीं है, इवन कि आप भी, क्योंकि आप भी थक चुके हैं, ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ स्टक है ये पर्सन अपनी लाइफ में, कहीं ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है ये पर्सन, क्या स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, बिल्कुल ये पर्सन सामने नहीं आ रहा, पीछे से स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, जानने की कोशिश कर रहा है, एक ट्रिक्स्टर मैनिफेस्टर, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, ठीक है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, साइलेंटली थिंकिंग करना, चीजों को सोचते रहना, कंटिन्यूसली सोचते रहना, फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे कि सोचे चल रही है इस पर्सन के माइंड में, एक्शन लेने के बजाय इसको एक्शन लेने के लिए काफी स्ट्रेंथ चाहिए। आपके पार्टनर डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, स्टेबिलिटी को लेकर आपके पर्सन कभी स्टेबिलिटी की, मतलब कि किस स्टेबल रिलेशनशिप, आपने कभी रिलेशनशिप को आप लोग टैग नहीं दे पाए, ये पर्सन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाया, ठीक है, हमेशा भागता रहा, मतलब कि इन्वेस्ट आप ही करते रहे, आप ही इमोशनल होते रहे, आप भी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहे, हीलिंग कर रहा है ये पर्सन, अभी साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है, इस वक्त टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, नेगेटिविटी, नेगेटिव फ्रेंड्स, टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक ये सोल ग्रुप मेंबर से कनेक्ट होना चाहता है, एक सोल कनेक्शन, इस पर्सन को अब सोल कनेक्शन चाहिए, ठीक है। इस पर्सन ने ऐसे मतलब परस या ऐसे रिश्ते जिन्होंने इसकी लाइफ को सिर्फ डिस्टर्ब करा है, वो चीज इसने बहुत ज्यादा करके देख ली अपनी लाइफ में, बहुत से ऐसे कनेक्शन, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप इसने टाइम टू टाइम बनाए हैं जिसको सिर्फ स्ट्रेस के अलावा और कुछ नहीं दे सके। Person on your mind. आप काफी कंफ्यूज हैं, आप एक टाइम पे इस पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते आए, ठीक है, आपकी विश रहा ये पर्सन, लेकिन राइट नाउ बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको नहीं पता, आप विजडम से काम ले रहे हैं, आपकी एक विश रही है इस पर्सन से कनेक्ट होना, इस पर्सन से मैरिज करना, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, जिस तरीके का आपने इस पर्सन का बिहेवियर देखा, आपको हीलिंग की नीड है, आप खुद को हील कर रहे हैं,
आप अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक विजडम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मिस करते हैं इस इंसान को, ये आपको पता है, ठीक है, स्ट्रेस भी होता है जब मिस करते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, स्ट्रेस पे भी जाते हैं, लेकिन आप आपको लगता है आप क्या करें इस इंसान का, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ जगल कर रहा है, आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं, आप इसको लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है, आप अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से आपने बहुत स्ट्रेस फील करा है इस कनेक्शन में, पूरे पूरे रिलेशनशिप में आपने स्ट्रेस फील करा है, आपको पता है इस पर्सन ने आपको जगल कर रहा है, या तो आपको किसी और के साथ चॉइसेस में डाला है, स्ट्रेसफुल एनर्जी आपके ऊपर, स्ट्रेस है आपके मेंटल मेंटल लेवल पे, आपने काफी स्ट्रेस फील करा है, काफी कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन अपने विजडम से आपने इसको चीज सिचुएशन को अनफोल्ड करा है, आपके जो पार्टनर है वो वैसे ही कंफ्यूज है, उसने आपको अभी भी कंफ्यूज ही करके रखा है, वो अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, वो पर्सन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चूज करना चाहता है जो इसके हार्ट चक्र को हील करे, अब इसको लव रिलेशनशिप में एक स्टेबल बैलेंस और मेच्योर पार्टनर की नीड है, ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा पार्टनर जो इमोशनली इसको फुलफिल कर सके, और ऐसा कनेक्शन इसको आपके साथ मिला था, इसमें इस चीज को उस टाइम नहीं सोचा, शायद बहुत ज्यादा उस टाइम इसकी लाइफ में प्रायोरिटीज का इशू था, ये किस चीज को प्रायोरिटाइज करें इसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी, इस पर्सन को एक लविंग केयरिंग शेयरिंग वाला कनेक्शन चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वेट कर रहा है आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपके लिए डिसीजन लेने के लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है, किसी टॉक्सिसिटी से ये इंसान बाहर आ रहा है, अपनी साइलेंट होके बैठा हुआ, स्टक है ये अपनी लाइफ में, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है बहुत एंजॉय कर रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप आज भी डिस्टर्ब है, नहीं, आपने इसको रिलीज कर कर ठीक करा, आपने अपनी विश फुलफिलमेंट को रिलीज करा इतने टाइम में, ठीक है, आपकी विश था ये कनेक्शन, आपने बहुत टाइम तक इसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन मतलब कि आपने अपनी विश को रिलीज कर दिया, अपने अंदर से निकाल दिया, अपने विजडम के थ्रू, अपनी हीलिंग एबिलिटी के थ्रू, और एक आपने अकेला रहना सीख लिया, ठीक है, अपने आपको अकेला बैलेंस करना सीख लिया, हाँ आप मिस करते हैं, अगर ये आपको स्टेबल अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आपसे बात नहीं कर रहा, आप लोग की भी डिस्टेंस है, साइलेंट है, ये पर्सन हील हो रहा है, अपने काम कैरियर पे फोकस है, या अपनी सेल्फ पे फोकस है, बहुत ज्यादा अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ये अपने आप से सवाल कर रहा है इस पर्सन को क्या चाहिए आपसे और इस कनेक्शन से, ठीक है, आप तो ऑलरेडी साइलेंट है और अपनी लाइफ में कोई होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अपने आप को आप हील करना चाहते हैं, आप अपने आप को अपने साथ खुश रखना सीख रहे हैं आप, ठीक है, आपको अपने साथ वो खुशी फील होनी चाहिए जो आप इसके साथ फील करना चाहते थे, मतलब क्या आप बहुत मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, पास्ट में आपने बहुत मेच्योरिटी दिखाई है, इसको पाने के लिए मैसेजेस करना, टेक्स्ट करना, अप्रोच करना, कभी कहीं से कनेक्ट करना, कभी कहीं से कनेक्ट करना, वो माइंडसेट से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज से बाहर निकल रहे हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप उस पर वर्क करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका सेल्फ आपकी हीलिंग पे वर्क कर रहा है, आप आपने खुद को मतलब कि आप एक इंडिविजुअल सेल्फ ग्रोथ पे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ पे हैं आप, आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है अपनी लाइफ में आपके पर्सन ने बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट नेगेटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव फ्रेंड सर्कल या जैसे कि जो एक गैदरिंग होती है उसका बहुत नेगेटिव टॉक्सिक असर रहा है, आपके पर्सन जो टॉक्सिक रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से रहे हैं, या अपने एक तो मिजाज थोड़ा सा एक होता है नेगेटिव माइंडसेट इंसान का, एक होता है चार्मिंग पर्सन है, एक इस पर्सन का जो ईगो है ना, इसका जो खुद को डील खुद को जो एक कैरी करने का तरीका, वो इसको लड़कियां या लड़के इसकी तरफ काफी जैसे कि मैग्नेटिक पुल इसकी तरफ होता है, जैसे कि एकदम एम्परर अपने आप को जैसे कि सुपीरियर समझना, कुछ है या नहीं है, ठीक है, अपने आप को वर्दी समझना, अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतर इंसान समझना, ये उस टाइप का माइंडसेट का इंसान रहा है, ठीक है, इसने बहुत ज्यादा खुद को मतलब कि खुद को बहुत सुपीरियर समझा है अब तक, अपने आप को एक मतलब कि बेहद वैल्यू दी है अपने आप को, अपने सेल्फ को बहुत एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहा है, ठीक है, तो ये इंसान इस वक्त साइलेंट जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगी रोना धोना कर रहा है, अपने आप को अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी नेगेटिव फ्रेंडशिप या नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन जिन्होंने इसका इस्तेमाल करा, जैसे होता है ना इंसान जब साइलेंट ही बैठता है सोचता है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो ये वो गलती को पिक कर पा रहा है अपनी लाइफ की, ठीक है, आपके पार्टनर और उनको फिर ये पर्सन ये एक पूछता है मुझे चाहिए क्या लाइफ से, तो ये पर्सन समझ पा रहा है मुझे प्योर इमोशंस चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मैं अपनी लाइफ में स्टक रह रहे के फेड अप हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, या तो ये एक टेम्परेरी कनेक्शन या टेम्परेरी रिलेशनशिप बना बना के, ठीक है, तो ये जो पर्सन है इस थॉट में चल रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, ये आप इसके माइंड में है, ये आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाहता है, चूज भी करना चाहता है, लेकिन किसी शिफ्ट का अराइव होने का आप लोग के बीच काफी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है,
आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस रिश्ते को बनाते बनाते, फैड अप हो चुके हैं इस रिश्ते पे काम करते करते, ये चल जाए ये बन जाए, ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन आप लोग के बीच बनी हुई है। ये आपकी तरफ मतलब कि एक सामने से तो एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन ये मतलब कि बैकग्राउंड में आपकी स्टॉकिंग करना, आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सोचना, एक्शन लेने से पहले जैसे कि ओवर थिंकिंग सी चल रही है, साइलेंट हुआ हुआ है, हीलिंग चल रही है, ठीक है, पुराने वूंड्स पुरानी चीजें हील कर रहा है, अपनी मिस्टेक्स को पिक अपनी मिस्टेक्स को पकड़ रहा है, चाहिए क्या वो सोच रहा है, एक अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, सेल्फ सेल्फ इसकी जो है ना, एक अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहा है, इसको चाहिए क्या इस पूरे रिश्ते में, ठीक है, ये इस रिश्ते से एक्सपेक्ट क्या करता है, इसको आपसे चाहिए क्या था स्टार्टिंग से ही। तो आप लोग के रिलेशनशिप में जो है ना, यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी, एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसका मसला है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, आपको जस्टिस देना पड़ेगा, इस यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का इशू, ये रिश्ता जो स्टक है ना, स्टेबिलिटी की वजह से स्टक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है इस कनेक्शन का, ठीक है, स्टकनेस, यहाँ पे जो फोर ऑफ फैंस है ना, यहाँ पे मतलब कि आपको भी मेंटल स्टेबिलिटी पे अपने अपने ऊपर आना पड़ेगा, अपनी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की। अभी फिलहाल आप दोनों को अपने इमोशंस पर, अपने सेल्फ पे काम करने की जरूरत है, अपनी लाइफ में किसी तरीके के स्टार्ट के लिए, बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, लेकिन ये जो स्टकनेस है ना, ये जो रियलाइजेशन का फेस है, खास तौर पर जो आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है, उसको चलना जरूरी है, ठीक है, आप टॉक्सिक नहीं थे कभी भी, इस पर्सन ने टॉक्सिक बिहेव किया था, स्टैगनेंट है आप लोग का रिलेशनशिप, बहुत स्टैगनेंट एनर्जी से गुजर रहा है इस वक्त, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन मेरे व्यूअर के माइंड में, वो पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर और क्या सोच रहा है इस वक्त, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, किसी स्ट्रगल से, किसी डिफिकल्टी से गुजर रहा है, ये पर्सन चूज करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को अब अप्रोच करना चाहता है, ये अपनी लाइफ में किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है, ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट, ये पर्सन थोड़ा सा इंट्यूशन का वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, आप लोग की साइकिक एबिलिटीज पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने वर्क करा है, ठीक है, इनर जर्नी, देखिए इनर स्टेबिलिटी भी नहीं है आप लोग के पास, इनर जर्नी पे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग की आप दोनों की यहाँ पर जो आप जो साइलेंस है ना, ये आप दोनों के सेल्फ पे, आप दोनों को वर्क करने पे मजबूर कर रहा है, चेंज किसी तरीके का चेंज आ रहा है, इस आइसोलेशन से, इस स्टकनेस से, आपके इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, न्यू डेज भाई, न्यू आइडियाज, देखिए सन की एनर्जी कितना मैच कर रहा है कार्ड्स को, यहाँ पर आप लोग की इंट्यूशन, आप लोग यहाँ पे इंट्यूशन से काम दे रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, इट्स ऑल गुड, यूनिवर्स कह रहे हैं इट्स ऑल गुड, सब ठीक है, ठीक है, इतना डिस्टर्ब या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है इसलिए साइलेंस है इतना यहाँ पर, इसलिए बिल्कुल सेल्फ लव, ठीक है, सेल्फ लव में ऑपरेट करें, सब ठीक है, हर चीज परफेक्टली काम कर रही है, लेकिन आपको पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा, पास्ट को करें लेट गो, ठीक है, लेटिंग गो, तो पास्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू मत दें, पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचे मत, पास्ट को मतलब कि पास्ट को आपका इंडिविजुअली पास्ट था या इस पर्सन का पास्ट था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये आपको लेकर कंफ्यूज है, साइलेंट दिख रहा है आपको, कभी आप इस ये जो है ना, आप स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ये श्योर होना चाहता है जिस इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आए, वो इमोशनली इसको बैलेंस देगा, स्टेबिलिटी देगा, अगर आप किसी न्यू पर्सन से भी डील कर रहे हैं, इसके साथ आपका किसी भी तरीके का पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं रहा है, पास्ट नहीं रहा है, तो ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन आपकी फर्दर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, ठीक है, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, ये इंसान अपनी जिंदगी में एक इमोशनल हैप्पीनेस चाहता है, प्योर इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, अगर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, इसने पास में किसी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में जरूर डील करा है, ठीक है, टॉक्सिक कनेक्शन को, टॉक्सिक क्योंकि ये पर्सन जानता है कि इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू क्या है, किसी टॉक्सिक इंसान को आपने जरूर डील करा अपनी लाइफ में, ओके, किस तरीके का रिलेशनशिप है ये आप लोगों का जो आपके माइंड में चल रहा है पर्सन के साथ, किस तरीके का अबंडेंस भाई, यहाँ पर आपको कीप पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड ब्लेस, ठीक है, आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ग्रेटिट्यूड फील करवाना है, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है, स्टेप बैक, मैंने कहा ना किसी ने यहाँ पर कोई हार्ट ब्रेकिंग है, आप लोग यहाँ पर आप और आपके पर्सन दोनों, अगर आप लोग बिल्कुल न्यू है तब भी हार्ट ब्रोकिंग एनर्जी है, पास में आप लोगों ने शॉकिंग एनर्जीज या शॉकिंग डिस्टर्ब कनेक्शंस देखे, वेडिंग भाई यहाँ पर ये कनेक्शन वेडिंग को लीड कर सकता है, यूनियन, वेडिंग, मैरिड, मैरिड एंड सोल कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लव प्रॉमिसेस, आप लोग की आप लोग का रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म को जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जो आपकी तरफ साइलेंट हुआ हुआ है, कुछ भी हुआ है, इसके माइंड में मेन जो मोटिव है, एक
मैरिज चल रही है, उसको सेट होना है, अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।